आज स्पाइसी पूरी में बनाने जा रही हूँ वड़ा पाव, जो कोई नॉर्मल वड़ा पाव नहीं है, फिर भी इसमें एकदम कम इंग्रेडिएंट्स है और परफेक्ट टेस्ट, वो भी स्ट्रीट फूड से भी हटके। और वड़ा पाव की हमारी स्पेशल ग्रीन चटनी और वड़ा पाव का स्पाइसी मसाला, उसकी भी बेस्ट टेस्ट वाली रेसिपी। अगर आपने एक बार ये सेम तरीके से वड़ा पाव बना लिए, बाद में आपको रेसिपी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। कोकोनट फ्लेक्स ब्राउन हो जाए, बाद में ठंडा करके ही पीसना है। अब आगे जितने मसाले हम रोस्ट करेंगे वो अलग अलग ही रोस्ट करेंगे और ठंडा करके बारी बारी पीसेंगे। इस मसाले में आप लहसुन की कली को भी रोस्ट करके उसका मिक्सचर डाल सकते हैं, हमने यहाँ नहीं डाला है। ये सब मसाला को 2-3 मिनट पकने देना है। पोटैटो बर्तन में चिपके नहीं और अलग हो जाए तब तक हिलाना है। बाद में गैस ऑफ करके ही नींबू और कोरिएंडर डालना है। Thank you.
ये ग्रीन चटनी में सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स ही डालना, ये चटनी वड़ा पाव में बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो चीज मायनीज सब डाल सकते हैं, पर उसके बगैर भी ये वड़ा पाव बहुत टेस्टी लगता है। हमारी ये वड़ा पाव की रेसिपी पसंद आई है तो आप जरूर घर पे बनाना और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।